SSI Cooking Classes and this is Seema Gaware Patil from Nasik. आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये है परफेक्ट टिफिन के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए एंड डिनर के लिए, और ये है बच्चों की फेवरेट. सो आज हम देखेंगे एकदम टेस्टी सा शावरमा. सॉरी आज हम देखेंगे एक बहुत ही क्रिस्पी सैंडविच. सॉरी आज क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा. आज हम देखने वाले हैं बहुत ही बढ़िया पिज्ज़ा. आई थिंक आज मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या दिखाऊं. तो एक काम करते हैं, हम शॉर्मा, पिज्ज़ा, सैंडविच तीनों को एक साथ लेके आते हैं एक ही रेसिपी में. तो आज की हमारी रेसिपी है शॉर्मा, पिज्ज़ा, सैंडविच. तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैरिनेशन. इस रेसिपी को आप नॉनवेज में भी बना सकते हो. तो जहाँ मैं पनीर यूज़ करने वाली हूँ वहाँ आप चिकन भी यूज़ कर सकते हो. तो सबसे पहले हम लेंगे दही. 1/4 कप हम डाल रहे हैं दही. 1 टीस्पून धनिया पाउडर. 1 टीस्पून गरम मसाला. 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर. 1/4 टीस्पून हल्दी. 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर. इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट. इसके बाद अगर आपको इसमें एक तंदूरी कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा ऑरेंज रेड कलर डालिए, सिर्फ पिंच, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है. इसमें कोई भी स्वाद में फ़र्क नहीं पड़ेगा. और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक. सो फटाफट से हम इसे दे देंगे एक मिक्स. बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है और बहुत बढ़िया रेसिपी है. इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कटी शिमला मिर्च. और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें चौकोन टुकड़े आपको पनीर के करने हैं, और ये पनीर. तो अब हम इसमें डालेंगे एक बहुत टैंगी फ्लेवर के लिए नींबू का रस 1 टेबलस्पून. और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. सो ये मैं मिक्स कर रही हूँ. आपको एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है. और अगर आपको ऐसा लगे कि ये तीखा कम है तो आप मिर्ची पाउडर बढ़ा सकते हो. और इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए. तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम पनीर को ग्रिल कर लेंगे. आप कोई भी पैन ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए तेल. तो अब हम सारे पनीर ग्रिल पैन पे डाल के इसे ग्रिल कर लेंगे. तो अब हम इसे दोनों तरफ से ग्रिल करेंगे जब तक कि इस पे ग्रिल मार्क ना आ जाए. लेकिन कभी भी पनीर को ओवर कुक मत कीजिए, नहीं तो जो पनीर है वो रबर की तरह चुई हो जाएगा. सो जब इस पे ग्रिल मार्क आएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ. तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है, अब हम चलेंगे सेकेंड स्टेप की तरफ. अब मुझे बनाना है एक स्प्रेड. इसके लिए पहले मैं एक बोल ले लेती हूँ. एक मैंने बोल लिया. इसके अंदर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून मेयोनेज. तो इसमें मैं पहले मेयोनेज डाल देती हूँ. अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून केचप. फिर इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मस्टर्ड सॉस. और इसी के साथ हम इसे स्पाइसीनेस देने के लिए डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर. और इसे हम अच्छा सा एक मिक्स दे देते हैं. तो हमारा फिलिंग रेडी है, हमारा सॉस रेडी है. अब हम स्टार्ट करते हैं सैंडविच बनाना. अब हम सारे पनीर को चॉप करने वाले हैं. चॉपिंग इसकी थोड़ी सी अलग रहेगी, मैं आपको दिखाती हूँ आपको कैसे चॉप करना है. बस आपको एक के ऊपर एक ये सारे ऐसे पनीर रख दीजिए. ओके, और हमें इसे लंबा लंबा कट करना है. ओके, ऐसे लंबे फाइन स्ट्रिप इसमें कट करने हैं आपको. और देन रफली एक ऐसे चाकू घुमा देना है. ओके, तो अब हम देखेंगे असेंबलिंग. तो सबसे पहले आप एक प्लेट ले लीजिए जो आपके ओवन में चलती हो.
ओके अब हम क्या करेंगे, एक पिज़्ज़ा बेस, आप रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस ले लीजिए और इसके ऊपर आपको लगाना है बटर। सो एक तरफ आप इसे अच्छे से बटर लगा दीजिए। ओके और जो बटर की साइड है वो हम डालेंगे नीचे प्लेट के ऊपर। अब हम इस पे लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस एक चम्मच इतना मैं पिज़्ज़ा सॉस इस पे लगा रही हूँ। सो ये पिज़्ज़ा सॉस हो गया। अब हम फिलिंग इसमें डालेंगे जो हमने पनीर की बनाई थी, बस आपको जितना पसंद है वैसे स्प्रिंकल कर दीजिए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कटा हुआ प्याज। ओके सो अब हम इसके अंदर डालेंगे फेवरेट पार्ट मेरा, वो है मोजरेला चीज। सो हम इस पे मोजरेला चीज डालेंगे। मोजरेला चीज आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, जो पिज्जा के ऊपर जनरली जाता है वो चीज मैंने डाला है। ओके सो मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब हम इसके ऊपर डालने वाले हैं प्रोसेस चीज। सो प्रोसेस चीज हम एक क्यूब इतना डालेंगे, चॉइस आपकी है। सो इसे हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसके ऊपर जो हमने सॉस बनाया था ये थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। सो अब हम इसके ऊपर डालेंगे ओरिगेनो और इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। अब हम सेकेंड पिज्जा बेस लेंगे और ये इसके ऊपर रख देते हैं। अब हम इसके ऊपर जो हमने सॉस बनाया था फिर से एक सॉस की लेयर और चीज़ की लेयर डालेंगे, ऊपर से ओरिगेनो डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे और इसे हम बेक करेंगे। अब हम इसे बेक करेंगे 220 डिग्री, दोनों कॉइल ऑन करके सेंटर रैक पे 10 से 15 मिनट या चीज़ जब तक मेल्ट ना हो जाए, और मेल्ट होने के बाद जब वो ऊपर से थोड़ा सा रेड हो जाए तब तक आपको इसे बेक करना है। तो मिलेंगे 10 से 15 मिनट के बाद। सो ये हमारा गर्मा गर्म चीज़ी सा पिज़्ज़ा रेडी है, सॉरी सैंडविच, शॉर्मा, पिज़्ज़ा, आपके जो दिल में आई कहिए, लेकिन फैंटास्टिक रेसिपी है, मेरी ये फेवरेट रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर एक ट्राई देना और कमेंट बॉक्स में डालना कि नेक्स्ट वीक आप कौन सी रेसिपी देखना चाहोगे। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती है या हमारे ऑनलाइन क्लासेस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन को बस क्लिक कर दीजिए, ताकि हर वीक जो भी रेसिपी हम आपके लिए लेके आते हैं या जो भी क्लासेस लेके आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी या एक नए ऑनलाइन क्लास के साथ अगले हफ्ते।